जॉम्बीज। दोस्तों आई एम श्योर कि इस वर्ड को आज हर कोई जानता है, न जाने कितनी सारी पिक्चर्स इस कंसेप्ट पर अब तक बन चुकी है। दिखने में ये एक डरावने भूत से कम नहीं लगते, लेकिन इस तरीके से जब इंसान दिखने लगता है तब ये माना जाता है कि वो अंदर से तो मर चुका है पर बाहर से जिंदा है, तो इनको जिंदा लाश कहा जाना गलत नहीं होगा। लेकिन यार एक सवाल जो सबके मन में उठता होगा कि इंसान भला ऐसा कैसे बन सकता है, तो इसका जवाब है जानलेवा वायरसेस और फंगस। जी हाँ, आजकल वायरस का नाम हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, इबोला वायरस हो या फिर कोई और। साइंटिस्ट की नई थ्योरी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया में इंसानों का खात्मा वायरस की वजह से ही होगा, और जो अब बात सच भी साबित होती नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई वायरस इंसानों को जॉम्बीज जैसी भयानक जिंदा लाश में बदल सकता है या नहीं, तो आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाने वाले, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वायरस इंसान के शरीर में जब घुसता है तो वो उसे कैसे डैमेज करता है। हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई प्लेन हाईजैक होता है तब उसके पैसेंजर्स को हाईजैकर सबसे पहले बंदी बनाते हैं और उन पर अपना हक जमाने लगते हैं, जैसे कि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। एग्जैक्टली वैसे ही जब वायरस किसी होस्ट के बॉडी में घुसता है तो वो सबसे पहले उस बॉडी के सेल्स पर उन्हें बंदी बना लेता है, उन्हें हाईजैक कर लेता है, फिर उन्हीं सेल्स को यूज करके वो अपने जैसे वायरसेस की कॉपी बनाने लगता है, यानी खुद को जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई करने लगता है। उसके बाद एक समय आ जाता है जब बॉडी के अंदर ओरिजिनल सेल्स खत्म होकर वायरसेस के सेल्स बनने लगते हैं और फिर वो बॉडी को बेहद हद तक डैमेज कर देता है। जब तक उसका एंटीट्यूड नहीं आता वो ऐसे ही फैलता रहता है। तो यार ये तो प्रोसेस होता है वायरस का बॉडी पर कब्जा करने का, लेकिन सिर्फ बॉडी पर। सोचो अगर कोई ऐसा वायरस या फंगस आ जाए जो बॉडी के साथ साथ माइंड पर भी कब्जा करने लगे, यानी माइंड कंट्रोलिंग वायरस या फंगस, तो सोचो कितनी भयंकर कयामत आ जाएगी। आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि ऐसा माइंड कंट्रोलिंग फंगस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, जिसका नाम है ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। अगर हम किसी इंसेक्ट का एग्जाम्पल लें जैसे चींटियां, तो जब चींटियां खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है तब अगर गलती से उन्होंने इस फंगस को खा लिया, क्योंकि ये कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, तब उनके शरीर और दिमाग पर ये फंगस ऐसे कब्जा करेगा कि वो एक दूसरे को ही मारने लगेंगी और एक समय आएगा जब वो पागल होकर खुद ही मर जाएंगी। तो चींटियों का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये फंगस अभी इंसानों पर हावी नहीं हो सकता, कारण इसके पीछे का इंसानी दिमाग है जो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और तेज है। पर वायरस हो या फंगस, समय समय पर वो अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके, यानी वो अपग्रेड होते रहते हैं। सोचो कि इस फंगस ने बाई चांस इंसान के दिमाग पर कब्जा करना सीख लिया तो क्या होगा, तब दुनिया पर से इंसानी नस्ल का खात्मा होना निश्चित है मेरे भाई। कैरेबियन में एक कंट्री है हैती नाम से, जिसको जॉम्बी कंट्री भी बोला जाता है। वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। हैती नाम इंडियन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हाई ग्राउंड, यानी पहाड़ी इलाके। कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं दुनिया में आकर अपने जैसे बनाने का, जॉम्बीज और बनाने का। गाइज ना जाने आगे इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक बात तो साफ होती है कि दुनिया तबाही की ओर बढ़ चुकी है और आधे से ज़्यादा तबाही इंसान खुद ला रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर और भी कई तरीकों से। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, आगे मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो अब तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।